आज से ठीक 5 महीने पहले फरीदाबाद में दिन दिहाड़े एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। बीए फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर को कॉलेज के बाहर सरेआम गोली मार दी गई थी। पहले उन्हें किडनैप करने की कोशिश की गई थी, जब वो नहीं बैठी गाड़ी में तो सरेआम उन्हें गोली मार दी गई थी और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई थी। निकिता जब अपने कॉलेज से एग्जाम देकर बाहर निकल रही थी तब उनका अपहरण करने की कोशिश की गई और आरोपियों ने उन्हें गोली मार दी थी। इस घटना के बाद निकिता की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिसमें से तौसीफ, रेहान, अजरुद्दीन शामिल थे। हालांकि चौंकाने वाली बात यह भी थी कि 2018 में भी निकिता का अपहरण करने की कोशिश की गई थी लेकिन मामला टाल दिया गया था। निकिता तोमर के केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है और पूरे देश की निगाहें टिकी हैं उस बड़े फैसले पर जो कल आने वाला है। जी हां, कल निकिता तोमर के दोषियों को सजा सुनाई जाने वाली है। इस मामले में 3 आरोपियों को पेश किया गया था, तौसीफ, रेहान और अजरुद्दीन। इस मामले में करीब 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और 26 मार्च को फाइनली इस मामले पर सुनवाई हो जाएगी। हालांकि फैसला अभी आया नहीं है लेकिन निकिता के परिवार वालों का कहना है कि दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। परिवार ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा यानी कि फांसी की सजा देनी चाहिए। आपको बता दें, इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात ये थी कि अगर पहले ही इन लड़कों पर कार्रवाई कर दी जाती तो शायद निकिता आज जिंदा होती। निकिता डॉक्टर बनना चाहती थी। निकिता के परिवार वालों का कहना है कि ये लड़के कई सालों से निकिता को तंग कर रहे थे। उन्होंने 2018 में FIR दर्ज करवाई थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार तो किया था लेकिन इसके बाद लड़के के परिवार वालों के दबाव में आकर और कुछ पॉलिटिकल प्रेशर के चलते इस मामले को वापस ले लिया गया था और उसके ठीक 2 साल बाद बल्लभगढ़ के एक कॉलेज के बाहर निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तौसीफ नामक युवक को और उसके साथी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है लेकिन उम्मीद है कि कल फाइनली इसकी सजा मुकर्रर हो जाएगी और इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।